हमने जीपी के फाइनाइट सम के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम। इनफाइनाइट जीपी और उसके सम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इनफाइनाइट जीपी आपके पास ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर एंड अप टू सो ऑन विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशो आर। ठीक, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एस इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे, यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, वेयर जो आर की जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो लेस देन क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, इफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, अगर कॉमन रेशो ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ जाता है इनफाइनाइट के केस में, देन द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी टेंस टू इन्फिनिटी। जो सम है वो किसको टेंस करेगा बच्चों, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो एक ही फार्मूला यूज करना है इसमें, ए अपॉन वन माइनस आर का रिजल्ट हमें यूज करेंगे। देखेगा एक्सरसाइज 9.8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। आपको सम करना है वन, 1/3, 1/9, 1/27 एंड सोन। ठीक है, एक एंड सोन। ठीक है, कैसी जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। हियर ए इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू 1/3, तो देयर फॉर सम इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, 1/1 - 1/3 इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ठीक है, के बाद देखिएगा थर्ड पार्ट, आपके पास है 0.3, 0.18, 0.108 एंड सो ऑन। आपके पास क्या है, हेयर ए इज इक्वल टू 0.3, आर इज इक्वल टू 0.18/3 इज इक्वल टू 0.6, तो सम किसके इक्वल आ जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर इज इक्वल टू 0.3 अपॉन वन माइनस आर, यानी कि 0.6, 0.3/0.4 ये आ जाएगा 0.75। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, वेरीफाई दैट टेन माइनस नाइन 8.1 एंड सो ऑन इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या ये जीपी में है, और फाइंड द सम टू इनफाइनिटी ऑफ द जीपी। और आपने जो है इनफाइनाइट टर्म का जो है सम भी वेरीफाई करना है कि है या नहीं। पहले जीपी में देखते हैं आपके पास क्या, देखिए हियर a1 इज इक्वल टू 10, a2 यानी कि सेकंड टर्म कितनी है 9, a3 इज इक्वल टू 8.1। नाउ a2/a1 इज इक्वल टू -9/10 एंड a3/a2 8.1/-9, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 81/90, या आ जाएगा माइनस के, ये माइनस था यहाँ पर -9/10। कॉमन रेशो कैसा बच्चों, सेम लिखेंगे, देयरफॉर a2/a1 इज इक्वल टू a3/a2 इज इक्वल टू कितना है -9/10 इज इक्वल टू r से डिनोट कर लेंगे कॉमन रेशो। ठीक है, इसका मतलब गिवन सीक्वेंस किस में है, जीपी में, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। अब मुझे सम निकालना है, यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, एस इनफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर इज इक्वल टू 10 अपॉन वन माइनस आर की वैल्यू कितनी है, -9/10।
ये आ जाएगा 10, 1 प्लस 9 बाय 10, तो ये आ जाएगा 100 बाय 90, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, आपके पास जो सीरीज है वो क्या बच्चे, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 एंड सो ऑन, आपने इस सीरीज का सम निकालना है। तो देखिएगा हेयर ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 एंड आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो क्या, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, ये है। तो इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेते हैं बच्चों, सिंपल हो जाएगा ये कॉमन रेशियो, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, तो सम निकालना, देयरफॉर सम इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ए कितना आएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आर, ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस का 1, 2 माइनस रूट 2, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, 2 प्लस रूट 2 बाय 2 प्लस रूट 2, ये इक्वल आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस रूट, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे जब न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय 4 माइनस 2 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आ जाएगा 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2, इस तरीके से आप जो प्रॉब्लम होगा सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ पार्ट, आपके पास गिवन सीरीज क्या, आपके पास देखो द गिवन सीरीज इज 2 बाय 5 प्लस 3 बाय 5 स्क्वायर प्लस 2 बाय 5 क्यूब प्लस 3 बाय 5 क्यूब और अप टू सो ऑन इनफिनिटी, तो इसमें क्या करेंगे, हम ऑड वाले टर्म एक जगह ले लेंगे और इवन वाली एक जगह, क्या करेंगे इसके लिए, देखिए द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज कैन बी, द गिवन सीरीज कैन बी रिटन एज ऑड टर्म एक जगह पर ले लीजिए 2 बाय 5 प्लस 2 बाय 5 का क्यूब प्लस 2 बाय 5 के क्यूब अप टू सो ऑन इनफिनिटी, इवन एक जगह पर, इवन क्या बच्चों 3 से स्टार्ट होती है यानी कि 3 बाई 5 स्क्वायर प्लस 3 बाई 5 रेज टू द पावर 4, अगली क्या आएगी 3 बाई 5 रेज टू द पावर 6 अप टू सो ऑन इनफिनिटी, देयरफॉर सम एस इनफिनिटी इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट पे रिजल्ट लगाइए ए 2 बाई 5 अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ से आप निकालिए कितना आएगा 1 5 का आंसर 1 बाई 25 प्लस इसमें लगाइए सम का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म कितनी है 3 बाई 25 और 1 माइनस आर कितना बच्चा 1 बाय 25, ठीक है ना, कॉमन रेशो निकाल लोगे, देखो सेकंड टर्म डिवाइड बाय क्या है फर्स्ट टर्म, 3 से 3 कैंसिल, 5 की 2 पावर कैंसिल 25, इसकी कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट वाले की तो 25 ऊपर चला जाएगा 5 बाई 12 बचेगा प्लस 3 बाई 20, ठीक है, एक स्टेप कर लेना बच्चे, ये आएगा 13 बाय 24, ठीक है, ये हमने किया था फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट कर रहे हैं, क्या सिक्स्थ पार्ट, देखिए गिवन सीरीज है जो आपके पास उसको एस से डिनोट कर लिया, क्या है ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अप टू सो ऑन इनफिनिटी where modulus of x less than 1, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आप क्या करें दोनों तरफ पहले जो है x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x वी हैव, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कीजिए आएगा xs इज इक्वल टू x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x की 4 अप टू सो ऑन इनफिनिटी, ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2, और ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 2
फ्रॉम वन वी गेट, ठीक है, एस माइनस एक्स है, एस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन, टू एक्स में से एक एक्स जाएगा बच्चों एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सोन इन, फॉर्मूला लगाइए फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस एस निकालिए यहाँ से, एस कितना आएगा बच्चों वन अपॉन एक वन माइनस एक्स यहाँ था तो ये क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये सम आ जाएगा आपके पास वन अपॉन वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फोर का फर्स्ट पार्ट है, देखिए आपको सम निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री रेज टू द पावर वन बाई टू, थ्री रेज टू द पावर वन बाई एट अप टू सोन इनफिनिटी, इसका तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, वन बाई फोर प्लस वन बाई एट अप टू सोन इनफिनिटी, पावर को अलग से सोल्व कर देते हैं फिर आंसर में थ्री की पावर कर लेंगे, लेट एस इज इक्वल टू वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट अप टू सोन इनफिनिटी, फार्मूला लगाइए देयर फोर एस इनफिनिटी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस आर, कॉमन रेशो कितना आएगा इसका वन बाई टू, तो यह आ जाएगा वन के इक्वल, देयर फोर ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था थ्री की पावर वन बाई टू, थ्री की पावर वन बाई फोर, थ्री की पावर वन बाई एट अप टू सोन इनफिनिटी इज इक्वल टू थ्री की पावर एस, एस की वैल्यू कितनी आई वन, तो थ्री की पावर वन इज इक्वल टू थ्री, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट भी सेम करेंगे आप, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, देखिए क्या कहते हैं, इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद फर्स्ट टर्म वन इज टू फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, आपको क्या निकालना बच्चों कॉमन रेशियो निकालना है जिसकी फर्स्ट टर्म वन है और सम किसके इक्वल गिवन है टू के इक्वल गिवन है, देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, जो सम है इनफाइनाइट टर्म का वो कितना बच्चों टू एंड फर्स्ट टर्म क्या है ए, मुझे क्या निकालना है कॉमन रेशियो, तो लिखेंगे लेट आर बी द लेट आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, आर आपके पास कॉमन रेशियो है तो हेयर ए इज इक्वल टू वन, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों ए अपॉन वन माइनस आर वन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है, दिस इंप्लाइज सम किसके इक्वल के बच्चों टू के, टू इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस आर, इसको सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वन बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन है बच्चों, जैसे थर्ड पार्ट है इसका, उसमें भी क्या कंडीशन आपको ध्यान से पढ़नी है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज थ्राइस इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म से जो है क्या है तीन गुणा है, फाइंड इट्स कॉमन रेशो, जो सम है बच्चों वो क्या है थ्री टाइम्स है फर्स्ट टर्म का, यानी कि देखिए ध्यान से लेट लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशो ऑफ द जीपी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो सम है वो थ्री टाइम्स है बच्चों फर्स्ट टर्म, बस ये कंडीशन लगा दीजिए, सम क्या होता है ए अपॉन वन माइनस आर इज इक्वल टू थ्री ए, ए से ए कैंसिल तो वन इज इक्वल टू थ्री माइनस थ्री आर, तो यहाँ से आर की वैल्यू जब आप निकाल लोगे टू, तो ये आ जाएगी टू बाई थ्री, ये आपके पास कॉमन रेशो आ जाएगा टू बाई थ्री है जो आपके पास कॉमन रेशो आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स था बच्चों, स्टेटमेंट पढ़ी ध्यान से, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय टू, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से दो ज्यादा है एंड इट्स सम इज 50, और सम किसके इक्वल क्यों 50 के, फाइंड द जीपी, आपको जीपी निकालनी, देखिए बच्चों दो टर्म हैं जो एक दूसरे से दो ज्यादा है तो क्या करेंगे, एक टर्म ए होगी तो दूसरी को मान लेते हैं, या तो ए प्लस टू सपोज कर लीजिए या ए माइनस टू, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म उससे ज्यादा है तो फर्स्ट टर्म ए होगी, सेकंड दो कम ले ली मैंने, लेट ए ए माइनस टू बी द
first two terms, let a and a minus 2 be the first two terms of the infinite GP. Of the infinite GP, therefore, कॉमन रेशो यानी कि उसको डिनोट कर लेते हैं आर से, तो कॉमन रेशो क्या आएगा, सेकंड टर्म ए माइनस टू डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ये कंडीशन थी। कॉमन रेशो क्या, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। आल्सो सम टू इनफिनिटी, आल्सो सम टू सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए अपॉन वन माइनस आर, और स्टेटमेंट में सम किसके इक्वल क्यों ना 50 के, r की वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इंप्लाइज a अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू क्या, a माइनस 2 बाय a इज इक्वल टू 50। सॉल्व कर लीजिए इसको, a बाय एलसीएम लेके a कैंसिल, ये आएगा 2 बाय a इज इक्वल टू 50, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर 2 उधर जाके 10, और दिस इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, देखेंगे फ्रॉम वन आर इज इक्वल टू ए माइनस टू बाई ए इज इक्वल टू 10 माइनस 2 बाई 10 इज इक्वल टू 4 बाई, तो जीपी क्या हो जाएगी, हैंस द जीपी फर्स्ट टर्म ए 10, अगली क्या होती है ए आर 10 इंटू 4 बाई 5, सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी 8, अगले टर्म आएगी 32 बाय 5 एंड 100। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे इसको। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे हम, देखिएगा ध्यान से क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7, find s infinity of a gp whose first term is 28 and fourth term is, first term given है बच्चों और fourth term, आपको s infinity यानी कि sum निकालना है 7th question में। देखिए let r जो common ratio था बच्चों less than 1 के लिए चल रहा है, be the common ratio of an infinite gp। Now, first term is equal to a is equal to कितनी है बच्चों 28, and fourth term t4 का मतलब क्या होता है बच्चों a r cube, क्योंकि general term क्या होते हैं a r के n minus 1, ये कितनी है 4 by 49, this implies a की value रख दीजिए 28 इंटू में आर का क्यूब इज इक्वल टू 4 by 49, दिस इंप्लाइज आर क्यूब इज इक्वल टू 4 by 28 इंटू 49 इज इक्वल टू 1 by, ये कितना बचेगा 7, ये क्या बचेगा 7 का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 by 7 का क्यूब। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 1 by 7, तो फर्स्ट टर्म का पता लग गया आपको और आर का, तो एस इन्फिनिटिव इजी निकल जाएगा, क्योंकि एस इन्फिनिटिव का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 28 अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 28, ये आएगा 6 by 7, तो 7 by 6, और ये आ जाएगा 98 by 30। इस तरीके से आप करेंगे। 8th क्वेश्चन भी सेम चलेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, so that in an infinite GP each term bears a constant ratio to the sum of all the terms that follows it। ठीक है, देखिए क्या कहता है, हर एक टर्म का जो है कांस्टेंट रेशियो है, each term to the sum of that follows it। ठीक है, देखिए देखिए ध्यान से, सीरीज सपोज कर लेते हैं हम, let the series be a r स्क्वायर देन tn, यानी कि tn का मतलब जनरल टर्म क्या होगी, a r की n माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1।
सम निकालते हैं, सम ऑफ द टर्म्स दैट फॉलोज, जिसको ये फॉलोज करता है बच्चों, यानी कि इससे आगे की जो टर्म आएंगे, तो tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n इसे आगे प्लस ए आर की पावर n प्लस वन प्लस ए आर की n प्लस टू अप टू सो ऑन, कहां तक इनफिनिटी तक। तो ये फार्मूला लगा दिए, फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस आर कॉमन, रेशो क्या आएगा आर, इक्वेशन नंबर टू। अब वन और टू को डिवाइड कर दीजिए क्योंकि दोनों की दोनों जो है टी एन के इक्वल है, क्योंकि वो टर्म क्या कहता है बच्चों, सम ऑफ दैट फॉलोज, यानी कि इसे नेक्स्ट टर्म में आएंगे, डिवाइड वन बाय टू बी कैट। देखिए फर्स्ट में तो क्या है टी एन जनरल टर्म, उस सेकंड में क्या है सम ऑफ द टर्म्स दैट फॉलोज, तो डिवाइड वन बाय टू करेंगे तो ये आएगा टी एन अपॉन tn upon sum of the terms following it, sum of the terms following it, tn क्या था बच्चों ar की n minus 1 और sum of sum क्या है जो उसको terms follow करती है ar की n upon 1 minus 1, यह आ जाएगा ar की n minus 1 into में 1 minus r divided by ar की n is equal to 1 minus r by r। इसका मतलब ये हमेशा कैसी होगी ये टर्म कॉन्स्टेंट, लिखेंगे विच इज कॉन्स्टेंट, विच इज कॉन्स्टेंट बिकॉज r इज कॉन्स्टेंट, ये टर्म कॉन्स्टेंट आएगी क्योंकि r आपके पास कैसा है कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन ए जीपी इज 23 एंड सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, सम गिवन है और उसका जो स्क्वेयर गिवन है बच्चों वो है 69, आपको जो है सीरीज निकालनी क्या आएगी, देखिए ध्यान से कि लेट ए बी द, दो कंडीशन गिवन है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड R be the common ratio of the given GP. Let A be the first term and R be the common ratio of the according to question. क्या given है? Sum given है बच्चों A plus AR plus AR square up to so on, कितना given है 23 and sum of their square, square कर दीजिए A square प्लस ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आर की फोर अप टू सो ऑन इनफिनिटी इज इक्वल टू 69, ठीक है। देयर इक्वेशन वन से निकालिए बच्चों, सम निकालिए ए अपॉन वन माइनस आर इज इक्वल टू कितना आ गया 23, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23 इंटू में 1 माइनस आर, स्क्वेयर कर लीजिए दोनों तरफ, 23 का स्क्वायर होता है 529 इंटू में 1 माइनस आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। आल्सो इसे निकालिए बच्चों सेकंड से, फर्स्ट टर्म स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर कॉमन रेशो क्या आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 69, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 69 इंटू में 1 माइनस आर का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। From 1 and 2 by 1 and 2 we have 1 2 को ध्यान से देखिए बच्चे, लेफ्ट साइड में क्या है a square, तो जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी कैसी हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, 529 into में 1 minus r, ये complete का whole square है और इधर है 1 minus r का square, तो 69 से 529 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 23 इंटू में 1 माइनस आर, ठीक है ना, ये 1 माइनस आर का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस आर इंटू में 1 प्लस आर, एक 1 माइनस आर जो है कैंसिल हो जाएगा,
दिस इंप्लाइज 23 इंटू में 1 प्लस आर, क्योंकि एक पावर इधर से कैंसिल हो जाएगी, इक्वल टू 1 प्लस, तो ये आएगा 23 और 23 आर, और इधर क्या था, ये 3 था बच्चे, यहाँ ये डिवाइड किया था ना, ये किससे डिवाइड किया था, 23 3 से डिवाइड कर लेंगे तो इधर 3 बचेगा, 23 से डिवाइड किया, 23 से 529 को डिवाइड करेंगे 23, और यहाँ 3 आ जाएगा, ये आएगा 3 इंटू में 1 प्लस, तो ये आ जाएगा 26 आर इज इक्वल टू 20। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 10/30। आर हमारे पास निकल चुका है, अब क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे, ठीक है, इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर इसमें पुट कर दीजिए, फर्स्ट वाले में ए अपॉन 1 माइनस आर है जो किसके इक्वल था बच्चों, 23, यहाँ आर की वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए एंड ए इज इक्वल टू क्या था, 23 इंटू 1 माइनस आर, ठीक है, इक्वेशन 1 से, तो ये आ जाएगा 69/3। कॉमन रेशो का पता लग गया, तो सीरीज क्या आएगी, हैंस हैंस द सीरीज इज ए फर्स्ट टर्म, अगली क्या आएगी बच्चों, ए इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 10/13, अगली क्या आएगी, ए सीरीज है तो बीच में प्लस लगा दीजिए, अगली आएगी ए आर स्क्वायर, यानी कि 10/13 का स्क्वायर अप टू 100, ये आपके पास सीरीज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12, ये बच्चों आपको फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फाइंड ए रैशनल नंबर विच विल हैव, ये किसकी एक्सपेंशन है ये हमें बताना, 0.68 का ऊपर बार, देखिए इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब 0.68 ये टर्म जो है बार बार रिपीट करेगी, 68 अप टू 100, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 0.68 प्लस 0.0068 प्लस 0.0068 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा 68/100 प्लस 68/10,000, सॉरी कितने जीरो आएंगे, 3 ही आएंगे, 1 2 सॉरी 4 जीरो आएंगे, 1 2 3, ये भी आएगा बच्चों, प्लस 68 बाय यहाँ आएंगे 6 1 2 3 4 5 6 100, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 68/10 का स्क्वायर प्लस 68/10 की 4 प्लस 68/10 की 6 अप टू 100 इज इक्वल टू 68/10 स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 की 4 टू 100, क्या आ जाएगा 68/10 स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन से आ जाएगा इज इक्वल टू 68/100 इंटू में 100/99, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 68/99। ये रिपीट वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चे, थोड़ा ध्यान से करने आपको, जैसे थर्ड पार्ट है 0.356, 56 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 56 ही रिपीट करेगा, 0.3 56 56 56 अप टू 100, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 0.3 प्लस 0.056, क्योंकि ये 3 के नाम का 0 आया बच्चे, प्लस 0.00056 प्लस 0.50 आ जाएंगी 56 अप टू 100, तो ये आएगा 3/10 प्लस 56/10 का क्यूब प्लस 10^5 प्लस 56/10^7 अब तो 100 कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी, देखिए 3/10 का इससे कोई लेना देना नहीं है, सीरीज आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी इतने पार्ट में, तो इसमें से क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे प्लस 56/10³, ये बचेगा आपके पास 1 प्लस 10² प्लस 1/10^4 अब तो 100 इन्फिनिटी, यहाँ रिजल्ट लगा लीजिए 3/10 प्लस
56 by 10 cube formula, first term upon 1 minus, इसको आप जो है सोल्व कर लेंगे आगे, आप सोल्व कीजिएगा इसको। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारे पास। फिफ्थ पार्ट करते हैं हम इसी का, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। 0.234 के ऊपर बार, तो इसका मतलब 4 रिपीट करेगा बस, 0.234444 अप टू सॉन। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.23 प्लस 0.004, 0.0004 प्लस 0.4 अप टू सॉन, इसका मतलब हो जाएगा 23/100 प्लस 4/1000, ये आ जाएंगे 3 4 0 प्लस 4/1 2 3 4 5 अप टू सॉन, तो ये आ जाएगा 23/100 प्लस 4/1000 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर अप टू सॉन, ये बचेगा 23/100 प्लस 4/1000 इंटू में 1 अपॉन 1 माइनस। ठीक है, इसको आप जो है सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये सिंपल जो कैलकुलेशन स्टेप है आपके पास, इसको आप फर्दर सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। इफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देखिए क्या गिवन आपके पास, x इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू सॉन इनफिनिटी, एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अप टू सॉन इनफिनिटी। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 प्लस ab प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इसके इक्वल है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, x इज इक्वल टू, ये टर्म गिवन है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, सम का फॉर्मूला लगा दिए, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r कॉमन, रेशो क्या आएगा a, दिस इंप्लाइज x से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस ax इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 माइनस x बाय x, माइनस का आएगा ना, माइनस a की वैल्यू आएगी, मुझे चाहिए a की, तो यहां से a की जो वैल्यू आएगी आपके पास, a की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 बाय x, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। y आपका इसके इक्वल है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस b, दिस इंप्लाइज y माइनस by इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज b की वैल्यू यहां पर आ जाएगी y माइनस 1 बाय y, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको प्रूव क्या करना है, उसकी लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे नाउ, 1 plus ab plus a square b square plus a cube b cube up to so on infinitive is equal to 1 upon 1 minus r is equal to 1 upon 1 minus a की वैल्यू कितनी है बच्चों, x minus 1 by x, b की वैल्यू कितनी है y minus 1 by y, इसको सोल्व करेंगे जब आप LCM लेके xy upon xy x minus 1 into में y minus 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए xy upon xy minus xy minus x minus y plus 1 is equal to xy upon x plus y minus 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चे हमने सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म है GP का, उसके बारे में जो इस एक्सरसाइज में हमने जो है सीखा, एक्सरसाइज 9.8 में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ।